अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके चैनल आईटी टॉक पे बहुत महीनों बाद हम जो है वो वापस आ चुके हैं एक पुराने टॉपिक को लेकर। मुझे पता है कि इस टॉपिक पे आप लोगों ने जो है वो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी और आप बहुत कुछ जो है वो इस टॉपिक पे ऑलरेडी जानते भी होंगे। लेकिन अगर शायद आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप हमारे बहुत पुराने सपोर्टर होंगे, या तो आप शायद इस टॉपिक के बारे में कुछ और जानना चाहते होंगे, या तो अभी इस वक्त आप करंटली और इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते होंगे। तो चलिए, आज का जैसे कि टॉपिक आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, वेब 3.0 और मेटावर्स है आज का टॉपिक। तो वेब 3.0 को हम पहले डिस्कस करते हैं और फिर मेटावर्स को डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये वीडियो जो है वो शॉर्ट होने वाली है, तो सिंपली जो है वो ब्रीफली तरीके से दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, मुझे बहुत जो है वो दिल कर रहा था आप लोगों से बात करने का, तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक को उठा के जो है वो वीडियो बना के आप लोगों से थोड़ा इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेब 3.0 पे बात करने से पहले वेब 1.0 और वेब 2.0 को हम जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो वेब 1.0 बेसिकली सिर्फ यहाँ पे रीड वेब था, मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट्स थी, आप जाके कंटेंट कंज्यूम करें, इन्फॉर्मेशन पढ़े और वेबसाइट बंद कर दें। मतलब यहाँ पे आप कोई भी तरह की इंटरेक्शन नहीं कर सकते, पोस्ट वगैरह कमेंट वगैरह शेयर नहीं कर सकते। और यहाँ पे फिर आता है वेब 2.0, यहाँ पे रीड राइट दोनों की फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिल गई थी। मतलब आप जाके इंटरेक्शन कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट शेयर वगैरह कर सकते हैं। सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो वेब 2.0 टेक्नोलॉजी में ही फॉल करते हैं। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि गूगल पे भी ये चीज़ है कि एक चीज़ पड़ी हुई होती थी, मतलब कोई इमेज वगैरह जो है वो गूगल पे रखी हुई है, आप उससे अपने काम के लिए भी यूज़ कर सकते थे और काफ़ी हद तक जो है वो कभी कभी मोनेटाइज करके उससे पैसे भी कमा लेते थे। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वेब 3.0 को डिस्कस करते हैं। तो वेब 3.0 को आप बेसिकली डिसेंट्रलाइज वेब भी कह सकते हैं और ये थर्ड जनरेशन वेब के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यहाँ पे ये बेस होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, मतलब यहाँ पे आप किसी का भी कंटेंट जो है वो उठा के अपने कंटेंट में यूज़ नहीं कर पाएंगे और उसे मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके ओनर को वो पता चलते रहेगा। मतलब उसके शायद पैसे भी वो जो है वो कॉपीराइट तरीके से उसके ओनर के पास जाते रहेंगे। मतलब यहाँ पे आपने कोई कंटेंट डाला है, वो किसी ने यूज़ किया, उसके बाद किसी ने यूज़ किया, उसके बाद किसी ने यूज़ किया, वो सब आपको पता चलता रहेगा। दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वेब 3.0 जो है वो बेस होगा। काफ़ी हद तक ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, जो कॉपी कैट्स है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा ये वेब 3.0, लेकिन बेसिकली ये सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा और फुली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वेब 3.0 बेस होगा। अब बात करते हैं मेटावर्स के बारे में। आपको पता है बहुत टाइम हो गया वैसे तो, लेकिन फेसबुक ने हाल ही में ही अपना नाम जो है वो चेंज करके मेटावर्स रख दिया था, क्योंकि वो कुछ जो है वो अलग चाहते हैं, उनका विजन कुछ ज़्यादा बड़ा है। और पहले ये क्लियर कर दूँ कि वेब 3.0 और मेटावर्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो है वो एक साथ जो है वो निकली थी, मार्केट में आई थी, तो इसलिए हम दोनों को साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो मेटावर्स बेसिकली अगर सिंपल लफ्ज में हम बोले तो यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जो है वो साथ आपको देखने के लिए मिलती है। और जो यूज़र्स है, जो मेटावर्स के यूज़र्स है, वो शायद एक डिजिटल यूनिवर्स में रहेंगे। जैसे कि फेसबुक का विजन ही ये है कि फेसबुक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आपको पता है बिलियंस ऑफ यूज़र्स है फेसबुक के वर्ल्ड वाइड। तो आप जो है वो ऐसा फील करें कि आप एक डिजिटल यूनिवर्स में जो है वो काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, और मेटावर्स का विजन या मेटावर्स यही चीज़ है। मतलब अगर जैसे कि आप किसी और जगह पे है और यहाँ पे जैसे कि सर्जन किसी और जगह पे जो है वो बैठ के सर्जरी कर रहे हैं किसी और जगह पे, ये एक सपना था लेकिन काफ़ी हद तक अब ये फ्यूचर में आने वाली है चीज़ है। यहाँ पे जैसे कि अगर आप किसी और जगह पे बैठे हुए हैं और आपके होलोग्राम या ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू या वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप जो है वो किसी और जगह पे बैठ के, मतलब दूसरी कंट्री में बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो होलोग्राम्स वगैरह है ये मेटावर्स ही है। और बाकी आपको याद है कि एक गेम भी आई थी पोकेमॉन करके, जो आपकी ही जगह पे आपके करीब पोकेमॉन जो है वो आप जो है वो पकड़ने जाते थे, ये बेसिकली वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का एक नमूना ही था। और पोकेमॉन पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एक मेटावर्स था, ये गेम एक मेटावर्स टेक्नोलॉजी में ही जो है फॉल करती है। तो बेसिकली सिंपली तौर पे
जो है वो हम यही कह सकते हैं कि मेटावर्स जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का एक मिक्सचर होगा, और यहाँ पे यूजर्स जो है वो एक डिजिटल यूनिवर्स में जो है वो रहेंगे। और एक अगर आप मूवीज देखने के जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो मैं आपको एक मूवी बताना चाहूँगा जो कि मेटावर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन करती है। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। वो मूवी का नाम है रेडी प्लेयर वन। एक साइंस फिक्शन मूवी है और वो मेटावर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है। और भी काफी ज्यादा मूवीज है जो कि आप देख सकते हैं मेटावर्स को और ज्यादा डीपली जानने के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, शॉर्ट सिंपल, और वेब 3.0 और मेटावर्स को एक्सप्लेन करने की, पता है बहुत पुराना टॉपिक है, लेकिन इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए लाए और आपके साथ जो है वो बातचीत बनाए रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। इन केस वीडियोस तो बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है, लेकिन शायद कभी कभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। कोई बात हो, कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और यार प्लीज़ ये कमेंट नहीं कीजिएगा कि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा पुराना था और हज़ारों वीडियोज़ पहले से इस पर बन चुकी थी। मुझे भी पता है, अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।